नमस्कार। आदर्श हिमाचल पे आज बात करेंगे चुनाव की। चुनाव जहां प्रदेश के अंदर चार चुनाव उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन्हीं में से हम आज चलते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की तरफ। वहां आज बात करेंगे राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के अध्यक्ष और उससे आगे संयोजक डीएन चौहान जी से। डीएन चौहान जी से जानेंगे सबसे पहले हम इनका परिचय, इनका लोक नीति का जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का उद्देश्य, और ये कौन कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं, उन मुद्दों इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे डीएन चौहान जी से। सबसे पहले डीएन चौहान जी, आपका आदर्श हिमाचल में स्वागत है। धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि आप हमें आज आपने मौका दिया है बातचीत करने का, आदर्श हिमाचल ने। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय लोक नीति के अध्यक्ष और संयोजक प्रदेश के, इनका परिचय, जीवन परिचय, इनकी शिक्षा, और ये किस तरह से इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो आइए जानते हैं। मेरा नाम दयानंद चौहान है, डीएन चौहान के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और मैं शिमला ज़िले के रूरू तहसील के सिद्धरोटी गांव से संबंध रखता हूं, और एक साधारण किसान परिवार से आता हूं। मेरी आरंभिक शिक्षा उस समय के राजकीय माध्यमिक पाठशाला लोअर कोटी से हुई, उसके बाद मैं रूरू हाई स्कूल उस समय होता था, वहाँ से सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल रूरू से मैट्रिक किया, उसके बाद शिमला आया। हम लोगों को उस समय में अगर देखा जाए तो ये भी ज्ञान नहीं होता था, ना कुछ गाइडेंस होती थी, हमें अगला भविष्य हमारा दसवीं के बाद क्या होगा, तो ऐसी एक परिस्थितियाँ थी। अपना रास्ता खुद निकाला, जैसा काम मिलता गया वो करते गए, साथ में अपना पढ़ाई भी शुरू की। पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन किया इवनिंग कॉलेज से, और जिसको कहते हैं ना, अब अर्न वाइल यू लर्न, हम लोग लर्निंग के लिए तो इवनिंग कॉलेज जाते थे पर अर्निंग के लिए काम करते थे। इसके बाद हमें मौका मिला एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में भी काम करने का, वहाँ के ऑफिस इंचार्ज के तौर पर काम किया, फिर हिमाचल प्रोडक्टिविटी काउंसिल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में काम किया, उसके बाद मुझे हिमाचल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में भी काम करने का मौका मिला, फिर मैं दिल्ली में भी एक एनजीओ के साथ काम किया, जहाँ मैंने पाया वहाँ एज इनकम प्रोग्राम ऑफिसर इनकम जनरेशन के तौर पर काम किया, जो लोगों की मतलब इनकम जनरेशन का मतलब है लोगों का आमदनी बढ़ाने में सहयोग देना। तो मुझे ये भली भांति पता है कि कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में हम योगदान दे सकते हैं, वो एक सोच है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे की जा सकती है, मैंने लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित भी किया है आत्मनिर्भर बनाने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उनको बताई हैं, क्या क्या हो सकती हैं, कैसे बिजनेस को चलाया जाना चाहिए, और बाद में जाके हमने अपना स्वयं का बिज़नेस भी शुरू किया, एक IT कंपनी बनाई, और जिसको आज एक ऐसे स्तर पर पहुँचाए हैं जहाँ पर आज की तारीख में 1100 लोग काम करते हैं। आउटसोर्सिंग का बिज़नेस है, मतलब अभी तो कोरोना की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका एक बात सामने आती है कि जितने भी सरकारें पहले आई हैं उन्होंने इन सब मुद्दों को सही से नहीं हैंडल किया, ना ही इसका निवारण किया। जिस तरह आपको पता है, मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से दो दिग्गज पार्टी है जो प्रदेश में राज करती आई हैं पिछले कई सालों से, तो आज आप उनके सामने अपना प्रत्याशी उतारे हैं, तो आप किस तरह से अपने प्रत्याशी को तैयार करके लोगों के बीच भेज रहे हैं, और कौन कौन से मुद्दे लोगों के बीच आप उठा रहे हैं? जी, अभी आप तो अगर देखिए पिछला रिकॉर्ड, भारत सरकार में अधिकतर दो पार्टियों का वर्चस्व रहा है, राज्य सरकारों में भी दो पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा आपस में भाईचारा निभा रहे हैं और एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। महंगाई के मामले में अगर देखेंगे, महंगाई बढ़ रही है, जब भाजपा बाहर होती है सत्ता से तो महंगाई का रोना रोती है, और जब अंदर होती है तो महंगाई को दोगुना ढाई गुना और बढ़ा देती है। सिमिलरली कांग्रेस भी जब सत्ता में होती है तो महंगाई बढ़ती है, अब जाके रोना रोती है।
लेकिन किसी भी पार्टी के पास ठोस नीति नहीं है कि महंगाई को कैसे रोका जाए। हम देखते हैं कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, डीजल पेट्रोल, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों को बसों में सफ़र करना है तो वो महंगा हो गया है, और एकदम से जहाँ किराया पहले 2 रुपये होता था सीधे 7 रुपये कर दिया गया है। तो अब लोगों का आमदन जिस दर से महंगाई बढ़ी है तो उस दर से आमदन नहीं बढ़ी है लोगों की। खासकर अगर देखें सरकारी मुलाजमियों को तो महंगाई भत्ता मिल जाता है, लेकिन जो व्यवसायी लोग हैं या जो कृषि पर आधारित हैं, जो लोग कृषि हैं बागवानी पर हैं, तो उनके लिए आमदन तो नहीं बढ़ी, और वो लोग अब कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, जीवन स्तर नीचे हो जा रहा है उनका। तो इसलिए हमें लगता है कि एक सक्षम नीति निर्धारण की ज़रूरत है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे इसके लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने काफ़ी तैयारियां की हैं, और हम लोग किस तरह की तैयारियां की हैं विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र है आपका संसदीय क्षेत्र, इसके लिए विशेषकर कोई विशेष तैयारी आपकी? हाँ जी, विशेष तैयारियां यह है कि जो भी चुनाव होने सभी 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और तब तक के लिए हम अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी महिलाओं को 50% की भागीदारी देना सुनिश्चित करेगी। जो गांव स्तर से उठ के जो हमारे पंचायत लेवल की कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी, उसके लिए 50% महिलाएं, 50% पुरुष होने चाहिए। सिमिलरली ब्लॉक लेवल की कोर कमेटी जो होगी उसमें भी 50%, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और राज्य स्तर पर भी। अभी हम लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं, संगठन को सुनिश्चित कर रहे हैं कि संगठन तैयार हो जाए हमारे पास, और हम ये कहेंगे कि हम लोग एक विजन के साथ आए हैं, और डेफिनेटली लोग पसंद कर रहे हैं, हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो चाहते भी हैं लोग कि तीसरा फ्रंट आए। हम दोनों पार्टियों के लिए एक तीसरा फ्रंट के तौर पर सामने आ रहे हैं, और जो हमें भरपूर भरोसा है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक अब पढ़ी लिखी भी हो गई है, समझदार भी हो गई है, काफ़ी उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया दोनों पार्टियों का या किसी और पार्टी का भी, और हम ये समझते हैं कि एक बार अवश्य मौका राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की उम्मीदवार अंबिका शाम को जरूर जिताने में मदद करेगी। चौहान साहब, जिस तरह आपने बात करी है तीसरे दल की, तीसरा दल आप पिछले कई वर्षों से हिमाचल में बहुत सारे नेताओं, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ कोशिश करी है तीसरे दल को खड़ा करने की, आपके पास तीसरा दल को अगर आप खड़ा करने जा रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे प्रदेश के अंदर आप तीसरे दल के तौर ताकि जनता आपको चुने विकल्प के तौर पर? देखो, मैं जानना चाहूँगा, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जो हमने बात समझी है ये हुआ कि तीसरा दल जब भी खड़ा हुआ वो किसी न किसी पार्टी से कुछ लोग नाराज़ होके एक अलग संगठन दल अपना बनाया, एक इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल मिला, और उसके बाद पार्टी उनकी ख़त्म हो गई, वो उनका विलय भी वहीं हो गया, और जो उनके कार्यकर्ता है वो बेचारे रह गए, उनका कोई महत्व उनको नहीं मिल पाया। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी है ऐसे लोगों को मौका देगी जो ईमानदार छवि के भी हैं, जो कार्य क्षमता रखते हैं, एक विजन भी रखते हैं अपना भी, और पार्टी के विजन के साथ चलने के लिए तैयार हो। और इसके वजह एक और भी है, क्योंकि हमारी पार्टी अब लोग कहते हैं कि नहीं जी सभी आप भी उन्हीं दलों की तरह विकास के लिए कार्य, देश को आगे तरक्की पर ले जाने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। वो लोग जितना पैसा बड़ी पार्टियाँ करती हैं खर्च, उसके मुकाबले में खास 1% भी नहीं खर्च कर पाती। सिमिलरली हमने देखा है कि हम लोगों को एक उदाहरण पेश करना है इस देश में कि पैसे के बल पर राजनीति ना हो, विजन के बल पर बलबूते हो, कार्य योजना के बलबूते पर हो, और कार्य क्षमता के बलबूते पर लोग वोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह से आप जनता के मुद्दों और नीतियों की बात करते हैं, राष्ट्रीय लोक नीति क्या करने जा रही है, उसी के आधार पर मैं एक आपसे सवाल को जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोक नीति
जो आने वाले विधानसभा चुनाव भी है यहाँ पे प्रदेश के अंदर और आप नगर निगम के चुनाव भी होने जा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी उन सभी चुनाव में भाग ले रही है आने वाले टाइम? जी हम लोग अभी तो लोकसभा चुनाव में भाग ले रहे हैं, आगामी विधानसभा में अगले वर्ष जो भी चुनाव होने सभी 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और तब तक के लिए हम अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी महिलाओं को 50% की भागीदारी देना सुनिश्चित करेगी। जो गांव स्तर से उठ के जो हमारे पंचायत लेवल की कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी, उसके लिए 50% महिलाएं, 50% पुरुष होने चाहिए। सिमिलरली ब्लॉक लेवल की कोर कमेटी जो होगी उसमें भी 50% और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और राज्य स्तर पर भी। अभी हम लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं, संगठन को सुनिश्चित कर रहे हैं कि संगठन तैयार हो जाए हमारे पास, और हम ये कहेंगे कि हम लोग एक विजन के साथ आए हैं और डेफिनेटली लोग पसंद कर रहे हैं, हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो चाहते भी हैं लोग कि तीसरा फ्रंट आए। हम दोनों पार्टियों के लिए एक तीसरा फ्रंट के तौर पर सामने आ रहे हैं और जो हमें भरपूर भरोसा है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक अब पढ़ी लिखी भी होगी है, समझदार भी होगी है, काफ़ी उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया दोनों पार्टियों का या किसी और पार्टी का भी, और हम ये समझते हैं कि एक बार अवश्य मौका राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की उम्मीदवार अंबिका श्याम को जरूर जिताने में मदद करेगी हमारी पार्टी। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी सभी आप भी उन्हीं दलों की तरह आप भी चले जाओगे छोड़ के, तो ऐसी लोगों में एक धारणा है जो हमें सामने आई बात। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी, इसकी स्थापना में जिन लोगों का योगदान है वो सारे विकास की सोच रखने वाले हैं और राजनीति के कोई नहीं है और किसी पार्टी से टूट के कोई इसमें नहीं आए हैं। खासकर नेताओं को तो हम मानते नहीं हैं अपनी पार्टी में, जो किसी पार्टी में बड़े नेता हैं उनके लिए हम अपनी पार्टी में कोई जगह नहीं रखते। हाँ, अगर आ सकते हैं तो एडवाइजरी रोल में हम सभी पार्टियों के लिए लोगों को ले सकते, चाहे किसी पार्टी में काम कर सकता हूँ, हम एडवाइज़र बना सकते हैं उनको अपनी पार्टी में, लेकिन कोर वर्किंग कमेटी में उनको सदस्य नहीं बनाया जाता। और अगर देखा जाए तो ये जो पार्टी है, अब सभी लोग इसमें विकास की फील्ड से आए हैं, एनजीओ फील्ड में काम किए लोगों ने, ग्राउंड लेवल पर काम किए हुए, गाँव लेवल पर काम किए हुए, उन्हें लोगों की बातों को समझा है, उनकी प्रॉब्लम को समझा है और उन प्रॉब्लम को देखते हुए कोई योजना बनी है। और योजनाओं को लेके पहले सरकार के पास भी गए, ये कई सालों से इस बारे में काम कर रहे हैं। जब देखा कि सरकार जो योजनाएं दी जाती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, वो वाली योजनाओं के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, वो अपने हिसाब से अपने एजेंडे के हिसाब से जहाँ उनका अपने पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं वही योजनाओं को आगे लाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे जितने भी लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम देश के लिए काम तो करना है और कैसे करें, तो अपना राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल बनाया जाए, तो बनाया, तो हम लोग भी उसमें जुड़े और मुझे भी इसमें मौका मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा था, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये देखो संगठन को बनाओ बढ़ाओ आगे, क्योंकि ये बात सोच की होती है। अब हमारे जो वेवलेंथ है, विचार जब मिले तो हमें लगा कि नहीं हम सही जगह पर हैं, ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ जो आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी और अच्छे सक्षम होके और तरक्की करेगी और भारत देश को एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। अगर हमें मौका मिलेगा हम तो चाहेंगे कि इसके बारे में पूरा ही एक सेशन हो जाए, तो हम लोगों को समझा पाएंगे अपनी बात कि ये लोकनीति है क्या चीज़। जी, ये थे हमारे साथ डी एन चौहान जी, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के अध्यक्ष। जय हिंद, जय हिमाचल।